हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, मैंने तोरण डिजाइन बनाया है। आज की वीडियो में हम इसे बनाना सीखेंगे, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 11 नंबर की क्रोशिया ली है। सबसे पहले इसे नोट लगा लेंगे। अब हम इसमें 12 चैन बनाएंगे। ये देखिए, मैंने 12 चैन बना ली है। अब 3 चैन छोड़ के चौथी चैन में हम ऐसे धागा घुमा के क्रूस को निकालेंगे। अब दोबारा धागा घुमा के इसी में से निकालेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे एक चैन छोड़ के अगली चैन में, दो बार फिर हम धागा घुमा के निकालेंगे। फिर एक चैन छोड़ेंगे अगली चैन में हम, फिर दो बार धागा घुमा के निकालेंगे। फिर एक चैन छोड़ देंगे अगली चैन में हम, फिर से दो बार धागा घुमा के निकालेंगे। ऐसे धागा घुमाएंगे और एक चैन में हम दो बार निकालेंगे। अब एक चैन छोड़ देंगे अगली चैन में हम, फिर धागा घुमा के एक बार धागा घुमाएंगे और दो बार इसमें से निकालेंगे। धागा घुमाया, ऐसे निकाला, फिर से धागा घुमाया, ऐसे निकाला। अब इसको ऐसे निकाल के बंद कर देंगे ऐसे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर ऐसे निकाल देंगे कि बंद करेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर ऐसे निकाल के बंद करेंगे। फिर एक चैन बना लेंगे, फिर ऐसे निकाल के बंद कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसको ऐसे निकाल के बंद कर देंगे। अब इसमें हम 3 चैन बना लेंगे। 3 चैन बना लेंगे और जहाँ पे हमने पफ बनाया था उसी पे हम दो बार धागा निकाल के उसी पे हम पफ बनाएंगे ऐसे। ऐसे दो बार धागा निकाल लेंगे। पफ के ऊपर हम दो बार धागा निकाल के पफ बना लेंगे। ये हमारी तोरण पट्टी बनेगी। आप इसकी चौड़ाई बढ़ा भी सकते हैं। धागे को यहाँ से थोड़ा पकड़ेंगे और इसको ऐसे बंद कर देंगे। फिर से एक चैन बना लेंगे और ऐसे बंद कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और ऐसे बंद कर देंगे। एक चैन बनाएंगे, ऐसे बंद कर देंगे। फिर एक चैन बना के ऐसे बंद कर देंगे। अब इसमें हम फिर से 3 चैन बनाएंगे। ये देखिए, हमारी 2 लाइन बन गई है। अब पफ के ऊपर ही हम दो बार धागा घुमा के ऐसे निकाल लेंगे। धागे को यहाँ से पकड़ लेंगे और ऐसे इसको बंद करेंगे। एक चैन बना लेंगे,
पूरी तोरण पट्टी को हम ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए हमने तीन लाइन बना ली है। अब हम तीन चैन बनाएंगे। अब धागा घुमा के पग के ऊपर से हम ऐसे निकाल लेंगे। हम ऐसे दो बार निकालेंगे, ऐसे पग के ऊपर से हम दो बार धागा घुमा घुमा के निकालेंगे। हम यहाँ से धागे को पकड़ेंगे और ऐसे इसको बंद कर देंगे। फिर से एक चैन बनाएंगे और अगले पग को हम ऐसे बंद कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, ऐसे बंद कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे, ऐसे बंद कर देंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और ऐसे बंद कर देंगे। फिर तीन चैन बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए हमारी पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे धागे को पकड़ेंगे और ऐसे निकाल के इसको बंद कर देंगे। अब एक चैन बनाएंगे और ऐसे निकाल के बंद कर देंगे। फिर से एक चैन बनाएंगे और फिर से इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब धागे को कट कर लेंगे। ऐसे धागे को पीछे की साइड निकाल के छोड़ देंगे। ये देखिए हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये देखिए हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम किनारी बनाएंगे। मैं इसमें लाल ऊन से किनारी बना रही हूँ। आप इसमें जो भी कलर आपको पसंद हो, लगाना चाहते हो, उससे आप इसकी किनारी बना सकते हैं। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। साइड में से हम तोरण पट्टी में सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमने सिंगल सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसमें दो चैन बनाएंगे। ऐसे दो चैन बना के एक पग को छोड़ के यहाँ से डाल के इसको बंद कर देंगे। फिर से दो चैन बनाएंगे, एक पग को छोड़ेंगे और ऐसे निकाल के इसको बंद कर देंगे। फिर दो चैन बनाएंगे,
एक पफ को छोड़ देंगे और फिर से दो चैन बना लेंगे। ऐसे बनाते हुए हम पूरे किनारे को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे दो चैन बना लेंगे, एक पफ को छोड़ देंगे, ऐसे दो चैन बनाएंगे। ऐसे हम बनाते हुए पूरी किनारे को कंप्लीट करेंगे। दो चैन बनाएंगे और इसको यहाँ से निकाल देंगे। अब इसको यहाँ बंद कर देंगे। और धागे को कट कर लेंगे। धागे को पीछे की साइड हम ऐसे क्रूस निकाल के निकाल देंगे। ऐसे धागे को पीछे की साइड निकाल देंगे। ये देखिए हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये हमारी तोरण पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब इसकी हम झालर बनाएंगे। आप इनको काउंट कर लीजिए, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। इनको ऐसे काउंट करके बिल्कुल बीच में हम एक धागा बांध लेंगे। ये देखिए मैंने बीच में धागा बांध लिया है। अब इस साइड से हम इसको दो भागों में बांट लेंगे। ऐसे काउंट करके इसको दो भागों में बांट लेंगे। ये हमारा बीच वाला है तो इसको हम छोड़ देंगे और साइड में से निकाल के हम 10 चैन बनाएंगे। ऐसे निकाल के हम 10 चैन बना लेंगे। ये देखिए मैंने 10 चैन बना ली है। अब दो लाइन छोड़ के हम एक दो लाइन छोड़ देंगे और यहाँ से निकाल के इसको ऐसे बंद कर लेंगे। अब दो चैन बनाएंगे और अगले वाले में से ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे निकाल लेंगे। अब इसको ऐसे घुमा लेंगे और हम चैन में दो बार ऐसे धागा निकाल के पफ बना लेंगे। ऐसे हम इसमें टोटल 14 पफ बनाएंगे।
ऐसे टोटल हम 14 पफ बनाएंगे। ये देखिए हमने 14 पफ बना लिए। बेक छोड़ के हम इसको ऐसे डाल के बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे 14 पफ बन गए हैं। अब दो चैन बनाएंगे और अगले वाले में ऐसे डाल के इसको बंद कर देंगे। ये देखिए अब हम धागा घुमाएंगे और पफ के ऊपर हम पफ बनाएंगे। एक बार धागा घुमा के निकाला, दो बार धागा घुमा के निकाला, अब इसको बंद कर देंगे। अब हम एक चैन बनाएंगे, अगले पफ पे हम फिर दो बार धागा घुमा के निकाल लेंगे और ऐसे बंद कर देंगे और एक चैन बना लेंगे। धागा घुमा के निकालेंगे, फिर धागा घुमा के निकालेंगे, फिर बंद कर देंगे, एक चैन बना लेंगे। ऐसे ही हम ये टोटल 14 पफ बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। ऐसे पब बना के इसको बंद कर देंगे और एक छोड़ के अगले वाले में इसको डाल के बंद करेंगे। देखिए हमारी दो लाइन पप की बन के तैयार हो गई है। अब इसमें हम तीन तीन चैन का एक राउंड बनाएंगे। ये टोटल हमारे 14 पप है। दो चैन बनाएंगे, अगले वाले में से निकाल के ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे घुमा लेंगे। अब इसमें हम तीन चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब इसको यहाँ से निकाल के बंद करेंगे, फिर से तीन चैन बनाएंगे, अगले वाले में से ऐसे निकाल के इसको बंद कर देंगे, फिर से तीन चैन बनाएंगे। ऐसे तीन तीन चैन बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे बंद कर देंगे, फिर से तीन चैन बनाएंगे, अगले वाले में निकाल के फिर से इसको बंद कर देंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे। ऐसे बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, ऐसे निकालेंगे, तीन चैन बना लेंगे। देखिए मैंने राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चार चैन बनाएंगे। जो हमने तीन तीन चैन बनाई थी उसमें से निकालते हुए इसे पूरा करेंगे। चार चैन बनाई, ऐसे निकाला, फिर से चार चैन बनाई, ऐसे निकाला, फिर चार चैन बनाएंगे, फिर ऐसे निकाल लेंगे। ऐसे बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे।
पूरे राउंड को ऐसे बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे निकाल के बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। तीन चैन बनाएंगे पूरे अगले वाले में से निकाल के। ऐसे निकाल के इसको बंद कर देंगे। अब एक चैन बनाएंगे अगले वाले में से ऐसे निकालेंगे और बंद कर देंगे और ऐसे घुमा लेंगे। 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और ऐसे चैन में डाल के इसको बंद कर। अब इसमें हम 5 चैन बनाएंगे और अगले चैन में से ऐसे निकाल के इसको बंद कर देंगे। फिर से 5 चैन बनाएंगे। ऐसे 5-5 चैन बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ऐसे निकालेंगे, फिर से 5 चैन बनाएंगे। ऐसे निकालेंगे, फिर से 5 चैन बना लेंगे। ऐसे निकाल के बंद कर देंगे। फिर से 5 चैन बनाएंगे, ऐसे निकाल के बंद कर देंगे। लास्ट में हम 4 चैन बनाएंगे और अगले वाले में निकाल के इसको बंद कर देंगे। अब हम एक चैन बनाएंगे, अगले वाले में निकाल के बंद कर देंगे। अब इसको घुमा लेंगे। ये देखिए हमारे चैन के 3 राउंड पूरे हो गए हैं। अब इसमें हम 4 चैन बना लेंगे और ऐसे निकाल के बंद करेंगे। अब इसमें हम 6 चैन बनाएंगे एक 2 3 4 5 6 अगली चैन में निकाल के बंद करेंगे। अब फिर से इसमें हम 6 चैन बनाएंगे। इस राउंड को हम 6-6 चैन बनाते हुए पूरा करेंगे। ऐसे 6-6 चैन बनाते हुए इस राउंड को हम पूरा कर लेंगे। ऐसे 6-6 चैन बनाते हुए इसे पूरा करेंगे। ये देखिए हमने चैन के 4 राउंड पूरे कर लिए हैं। हमने 4 चैन बनाई थी, अभी हम 4 चैन बनाएंगे और ऐसे निकाल के इसको बंद कर देंगे और धागे को ऐसे ही छोड़ देंगे। अब रेड वन से हम सेम ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे। ऐसा धागा निकाल के इसमें नोट लगा देंगे। अब इसमें हम 2 बार धागा निकाल के पफ बनाएंगे। फिर इसमें हम 1 चैन बनाएंगे, फिर इसमें पप बना लेंगे। एक चैन में हम 2-2 पप बनाते हुए पूरा करेंगे। ऐसे पप बना लेंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। अब अगली वाली चैन में हम 2 पप फिर से बनाएंगे। ऐसे बंद करेंगे, एक चैन बना लेंगे। अब धागा घुमा के एक बार निकालेंगे। धागा घुमा के 2 बार निकाला, फिर इसको बंद किया, फिर एक चैन बनाई। एक चैन में ऐसे 2-2 पप बनाते हुए इसे हम पूरा कर लेंगे।
अगली चैन में हम फिर दो रब बनाएंगे। एक बार धागा घुमा के निकाला, दो बार धागा घुमा के निकाला और ऐसे बंद कर देंगे, एक चैन बनाएंगे। फिर से धागा घुमा के ऐसे निकाला, बंद कर देंगे, फिर एक चैन बनाएंगे। ऐसे एक चैन में हम दो दो पफ बनाएंगे और इस पूरे राउंड को हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने दो दो पफ बनाते हुए पूरे राउंड को बना लिया है। अब एक चैन बना के इसमें अगले वाले इसमें डाल देंगे, ऐसे डाल के निकाल लेंगे। अब हम एक चैन बनाएंगे और अगले वाले में डाल के इसको बंद करेंगे, इसको ऐसे घुमा लेंगे। अब हम धागा घुमा के एक पप पर ऐसे धागा घुमा के पप के ऊपर हम पप बनाएंगे, एक चैन बना लेंगे, धागा घुमाएंगे, ऐसे निकालेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे, ऐसे निकालेंगे। ऐसे हम दो बार निकाल के बंद कर देंगे और एक चैन बना लेंगे। ऐसे हम पफ के ऊपर पफ बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। ऐसे बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ऐसे इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लेंगे और ऐसे इसमें हम तीन राउंड चैन के बनाएंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है और तीन राउंड मैंने इसमें चैन के बना लिए हैं। फर्स्ट राउंड में हमने तीन तीन चैन ली है, सेकंड में हमने चार चार और थर्ड में हमने पांच पांच ली है। ऐसे सेम पैटर्न इसमें हमने बनाया है। अब हम वाइट ऊन से सेम ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे, ऐसे घुमा लेंगे और इसमें हम दो पफ बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे, धागा घुमा के निकालेंगे, फिर से धागा घुमा के निकालेंगे। ऐसे हम दो बार धागा घुमा के निकालेंगे, ये हमारा छोटा पफ बन के तैयार हो जाएगा। फिर एक चैन बनाएंगे। अब अगली चैन में हम फिर दो पफ बनाएंगे, ऐसे पफ बनाया, एक चैन बनाई। अगली चैन में हम फिर से दो पफ बनाएंगे, ऐसे बनाते हुए हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। एक चैन बनाई, धागा घुमाया, ऐसे निकाला, फिर से धागा घुमा के निकाला, ऐसे बंद किया, एक चैन बनाई, ऐसे हम एक चैन में दो दो पप बनाएंगे और इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे बनाते हुए इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। फिर इसमें हम तीन राउंड चैन के बना लेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैंने दो दो लाइन पप की बनाई है और मैंने इसमें तीन तीन लाइन चैन की बनाई है। अब सेम पैटर्न हम दूसरी साइड बनाएंगे। ये देखिए मैंने इतना पैटर्न बना लिया है, दूसरी साइड हम
सेम ऐसे पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए मैंने तोरण को कंप्लीट कर लिया है, दोनों साइड में मैंने सेम पैटर्न बना दिया और बीच में मैंने इसमें दो पोम पोम लगाए हैं। ये देखिए हमारी तोरण बनके तैयार हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।